लंबे समय से लटके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में प्रदेश सरकार द्वारा धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए केस केंद्र सरकार को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए 75 हेक्टेयर भूमि का केस वन विभाग द्वारा प्रोसेस किया गया है। पिछले माह प्रदेश सरकार ने इस केस को केंद्र सरकार को भेजा है तथा उक्त 75 हेक्टेयर वन भूमि पर लगभग 4,490 पेड़ हैं। इसके अतिरिक्त जहां वन भूमि चिन्हित की गई है वहीं साथ लगती 27 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड सीयू प्रशासन के नाम कर दी गई है। डीएफओ धर्मशाला डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस निर्माण हेतु तो भूमि संबंधी केस प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है। ये केस पिछले माह से केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचाराधीन है। सीयू के धर्मशाला कैंपस हेतु तो यूजर एजेंसी ने जो केस अपलोड किया है और वन विभाग द्वारा जो केस प्रोसेस हुआ है वो लगभग 75 हेक्टेयर का है और ये भूमि वन भूमि है। इसके अतिरिक्त 27 हेक्टेयर जो नॉन फॉरेस्ट भूमि थी उसे सीयू प्रशासन के नाम कर दिया गया है। डीएफओ ने बताया कि सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए जो 75 हेक्टेयर का केस भेजा गया है उसमें लगभग 4,490 पेड़ हैं। ऐसे में यदि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इस केस को इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रदान करता है तो उक्त 75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की एवज में 150 हेक्टेयर में पौधारोपण करना पड़ेगा। यही नहीं 75 हेक्टेयर भूमि की नेट प्रेजेंस वैल्यू की कॉस्ट भी जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त लैंड डाइवर्शन गाइडलाइन के अनुरूप जो पेड़ उस भूमि पर हैं उनकी कास्ट भी जमा करवानी पड़ेगी। गौरतलब है कि लंबे समय से सीयू भवन निर्माण का कार्य लटका पड़ा है। हालांकि सीयू निर्माण का शिलान्यास भी हो चुका है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। देखिए, जो ये केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला नॉर्थ कैंपस की बात है तो ये केस अभी 2 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के कंसिडरेशन में है। स्टेट गवर्नमेंट से ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए गया हुआ है। अभी जो केस यूजर एजेंसी ने अपलोड किया है और जो केस प्रोसेस वन विभाग की तरफ से हुआ है वो 75 हेक्टेयर कैंपस इसके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 75 हेक्टेयर का केस प्रोसेस हुआ है। 75 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें वो फॉरेस्ट लैंड है और एक और 27 हेक्टेयर इन्होंने नॉन फॉरेस्ट लैंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम कर दी गई है। तो जो फॉरेस्ट लैंड है उसकी बात करें तो 75 हेक्टेयर में लगभग 4,490 के लगभग पेड़ इन्वॉल्व हैं। देखिए, जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इस केस को क्लियर करती है वो अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल में स्टिपुलेशन लगाती है कि जो लैंड 75 हेक्टेयर है इसके बदले में 150 हेक्टेयर लैंड पे आपको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कॉस्ट है लैंड की वो जमा करानी पड़ेगी और ट्री कॉस्ट जो अभी बताया कि लगभग 4,490 के लगभग जो पेड़ है उनकी ट्री कॉस्ट भी जमा करवानी पड़ेगी एज पर द लैंड डाइवर्जन गाइडलाइंस।